डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 29 और हम इसमें डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2.3 का। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि आइसोसेलेस ट्रेपोजाइट क्या होता है। स्टूडेंट, आइसोसेलेस ट्रेपोजाइट जो है, आइसोसेलेस ट्रेपोजाइट जो है, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रेपोजाइट बेसिकली एक फोर साइडेड फिगर होती है। लेकिन आइसोसेलेस ट्रेपोजाइट में क्या होता है कि दो साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल। और दो साइड्स पैरेलल नहीं होती। जो साइड्स पैरेलल होती हैं ना, वो अनइक्वल होंगी, और जो साइड्स पैरेलल नहीं होंगी वो इक्वल होंगी। इसका मतलब ये कि AD की लेंथ जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगी? BC के लेंथ की इक्वल हो जाएगी। तो ऐसी फोर साइडेड फिगर जो है वो क्या कहलाती है? आइसोसेलेस ट्रेपोजाइट। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि प्रूफ दैट द डायग्नोसिस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रेपोजाइट्स आर इक्वल। हमें प्रूफ करना है कि इस आइसोसेलेस ट्राइंगल के डायग्नोसिस कैसे हैं? इक्वल। हमने एक आइसोसेलेस ट्रेपोजाइट को हमने ओरिजिन पर रख लिया एक्स एक्सिस पे, तो वर्टेक्स ए हमारे पास क्या हो जाएगा? 0.0। बी क्या हो जाएगा? 1.0। सी क्या हो जाएगा? B.C। और वर्टेक्स डी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? D.C। तो हमें इस सवाल में भी स्टूडेंट किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी? पहले डी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। स्टूडेंट, डी की वैल्यू फाइंड कैसे होगी? आप हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ई, इस पर भी स्टूडेंट कर देता है एफ, और यहाँ भी कर देते हैं जी। स्टूडेंट, अब आप देखें कि जब हमें पॉइंट ए से बी तक जाना है, इस पॉइंट ए से बी तक हम कहाँ जा रहे हैं? हम ए से बी तक के क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस से कर रहे हैं। तो ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा, हमने पहले इसको स्प्लिट किया ए से ई में, ए से ई, और फिर हमने इसको कंटिन्यू किया, और हम इसे कहाँ ले गए? ई से कहाँ पे ले गए स्टूडेंट? बी पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ए से बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए से ई प्लस ई से बी। स्टूडेंट, ये जो ए से लेके ई तक का डिस्टेंस है, क्या ये जी से लेके डी तक का डिस्टेंस नहीं है? बिल्कुल है। ए से लेके ई तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है? वो जी से लेके डी तक का डिस्टेंस है, और वो किसके बराबर है? डी के बराबर। अगर यहाँ डी है तो स्टूडेंट यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी होगा, यहाँ पर डी आ गया। और ए से लेके बी तक का डिस्टेंस स्टूडेंट कितना है? ए, हमने ले लिया। अब इसके बाद है हमारे पास ई से लेके बी। अब स्टूडेंट, ई से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास, ई से लेके बी तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है ये किसके इक्वल होगा? ई से लेके बी तक का डिस्टेंस बराबर होगा स्टूडेंट जी से लेके सी तक के डिस्टेंस में। लिख सकते हैं ना, अगर हम इधर गैप देते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे हम पीछे कर लें, क्योंकि ये लेंथ जो है ए से लेके ई, ये किसके बराबर होगा? ये एफ से लेके बी तक के बराबर होगा, होगा ना। तो हम लिख सकते हैं कि अगर हम ई से कहाँ जा रहे हैं? बी पे जा रहे हैं, तो उतना ही डिस्टेंस कब मिलेगा? जब हम जी से कहाँ पे जा रहे होंगे? सी पे जा रहे होंगे। तो हमने ई से लेके बी के डिस्टेंस को क्या लिखा? जी से लेके सी। और जी से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना है हमारे पास? बी है। ये प्लस का भी है स्टूडेंट, इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस का भी। तो डी बराबर हो जाएगा ए माइनस बी के। स्टूडेंट, जब हम डी की वैल्यू फाइंड करते हैं ना, ये दो तरह के सवाल अपने करते हैं। एक क्वेश्चन वो होते हैं जिसके अंदर हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ होता है, और एक सवाल कौन सा जिसके अंदर हमें आइसोसेलेस ट्रेपोजाइट दिया होता है। आइसोसेलेस ट्रेपोजाइट के अंदर डी जो है वो किसके इक्वल आता है? ए माइनस बी के। और पैरेललोग्राम वाले सवालात में डी जो है वो किसके इक्वल आता है? बी माइनस ए के। ये फ़र्क होता है स्टूडेंट ज़रा सा। इसके बाद हम यूज़ करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डी किसके बराबर होता है स्टूडेंट? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। और हमें क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट? ए सी किसके बराबर है? बी डी के। हम यहाँ पे क्या दोनों तरफ क्या अप्लाई कर देंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। पहले हम किसके लिए अप्लाई करेंगे स्टूडेंट? ए से लेके सी तक के लिए। ए के वर्टेक्स हैं 0.0, सी के वर्टेक्स हैं B.C। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट बी माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस जीरो का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, होगा ना। अब हम सेकेंड क्या फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट?
बी डी का। तो बी के वर्टेक्स हैं हमारे पास ए कॉमा जीरो और डी के वर्टेक्स क्या है स्टूडेंट हमारे पास डी कॉमा सी। तो ये हो जाएगा डी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस जीरो का होल स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे डी की वैल्यू पुट कर देंगे, डी किसके बराबर था ए माइनस बी के, तो डी की जगह पे स्टूडेंट आ जाएगा ए माइनस बी माइनस ए आ जाएगा एज इट इज होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस वाले ए से ये वाला ए क्या हो गया स्टूडेंट कैंसिल, क्या बचा माइनस का बी, और जब माइनस की बी का स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट तो वो क्या हो जाएगा माइनस की बी का स्क्वायर बचेगा और यहाँ क्या बचेगा सी स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आ जाएगा स्टूडेंट एज इट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं स्टूडेंट कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। इसका मतलब ये है कि आइसोसेलेस ट्रेपोजॉइड के जो डायगोनल्स थे उनकी लेंथ क्या आ गई स्टूडेंट सेम। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूफ। स्टूडेंट हमने इस सवाल में क्या किया, हमने क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर एक आइसोसेलेस ट्रेपोजॉइड के डायगोनल्स की लेंथ को हमने क्या कर लिया इक्वल प्रूफ कर लिया। स्टूडेंट ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे।